बाप और बेटे औरुल्दस के नाम में आमीन बसी युसू में मेरे अजीज भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों आप सबको कराची पाकिस्तान से शौकत भट्टी का सलाम पहुंचे मेरे अजीजों मेरा जती तजर्बा और तज़िया है कि हम में से अक्सर व बेशतर कामयाब मसीही एशकाज की कामयाबी की वजह कोई काहन कोई राहबा कोई मुशरा अजील या कोई मजहबी रहनुमा होता है बेशतर कामयाब इंसानों की कामयाबी के पीछे किसी न किसी काहिन का हाथ ज़रूर होता है मेरे जो मेरी अपनी ज़िंदगी को बनाने संवारने में फादर रॉबर्ट डिसूजा फादर जो फादर आंजोस वारस और सिस्टर कैथरीन प्रिंस का खसूसी और बेशुमार फ़ादर साहबान सिस्टर साहबाज ब्रदर साहबान और ने अंजील का अमूमी किरदार है आज मैं उन सब का तय दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे रूहानी तालीम और दुनियावी मशा दिया आज मोरखा चार अगस्त 2022 को हम मुकद्दस जॉन मेरी वानी की ईद मना रहे हैं एक ऐसे कहन की जिसे मुकद्दस जॉन व्यानी डासीजन कहनों का मुरबी कहा जाता है और पोप पाइस दहम ने उन्हें उनकी गैर मामूली अकीदत और ज़िंदगी की बदौलत उन्हें मुकद्दस करार दिया और तमाम कहनों के लिए एक नमूना करार दिया मुकद्दस जॉन मेरी व्यानी आठ मई सत्रह सौ छियासी को फ्रांस के शहर डार डेली में पैदा हुए उनकी इब्तदाई ज़िंदगी फ्रांस की बदौलत मदोज़र का शिकार रही मगर इन नागफ्ता हालात में भी उन्होंने उम्मीद का दामन ना छोड़ा बीमारी और फिर फ़ौज में शमूलियत के बावजूद मसीही ईमान और अक़दे पर कारबंद रहे और इसी ईमान की मजबूती की बदौलत वो काहिन बने और फ्रांस के एक ऐसे पैरिश में काहिनाना जिम्मेदारियां कबूल की जो महबी तालीमत से बेबहरा और दुनियावी ऐशो इशरत में पेश पेशता मगर मुक़दस जॉन मेरे वियानी ने जुआानों में खानों और दीगर इशरत कदम में जा जाकर लोगों को महबी शाऊर दिया खोए वो को खुदा के पास वापस लाया और मेरे जुजो लोग इस कदर अपने गुनाहों से तायब हुए कि रात रात भर इतराफ़ का सैक्रामेंट देने के बावजूद हजूम कमना होता था और बिल उसे दूसरे कहनों को अपनी मदद के लिए बुलाना पड़ा मेरे जुजो चार अगस्त अठारह उनसठ में उर्स पेरिस में बेलॉस खिदमत अंजाम देकर कर तिहत्तर साल की उम्र में जॉन मेरी वानी खुदा में सो गया मुक़दस जॉन मेरी व्या कहाानत के सैक्राम के मतलब कहते हैं कि खुदा के बाद कहनी सब कुछ है काहिन का उदा यीशु के दिल की मोहब्बत है काहिन इतना अजीम है अगर एक काहिन अपनी इस अजमत को जान ले तो उसका दिल खुशी और हैरत के मारे फट जाएगा क्यों क्योंकि खुदा काहिन की अतात करता है काहिन जो कुछ मांगता है खुदा उसे अता करता है खुदांद आसमान से उसकी आवाज़ सुनकर उतरता है और उसकी दुआ सुनता है मेरे जिजो काहिन इंसान और खुदा का सालसी है खुदा यसु अपने खून से धोकर उनकी पोशाक को पाक करेगा काहिन जमीन पर खुदा के सामने होता है तो आसमानी बादशाह में वो खुदा के जलाली तक किस सामने होगा और ये रुतबा कोई और हासिल नहीं कर सकता खुदा यसम जो काहन आज़म है काहन की जिम्मेदारी और मकाम से खूब वाक़ था वो जानता था कि बेड़े चरवाहे के बगैर जिंदा नहीं रह सकती चरवाहे के बिना वो जल्द मौत का शिकार हो जाती हैं यही वजह है कि आज की अनजील मुक़दस में हमने सुना कि खुदान् यस्सु को हजूम पर तरस आया और तमाम अनजील इस बात पर मुतफिक हैं कि खुदा यसुलमसी ने बारह शागिरदों को अपने साथ रहने के लिए चुना वो चाहता था कि वो उसके साथ रहकर मुनादी करना तालीम देना शिफा देना और बदरूहों को निकालना सीखें और ख़ुदा यीशु ने उन्हें कहानी का इख्तियार दिया मेरे जुज़ो आज लाखों काहिन खुद इनकारी करके हर रोज़ अपनी सलीब उठाकर कर मसीह अजीम काहन के नक्श क़दम पर चलते हैं हर रोज़ हर कदम उनकी जंग शैतान से होती है अपने गले की हिफाजत के लिए बेशुमार काहिनों ने शहादत के जाम ख़ुशी ख़ुशी पिए और अब भी हर रोज़ दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई काहिन बेदर्दी से शहीद कर दिया जाता है लेकिन वो लेकिन वो अपने मुरबी जॉन मेरी वियानी की तरह साबित कदम रहते हैं और अपने काहने आज़म काहनेज़म खुदाउ मसीह की मानद अपनी भेड़ों की देखभाल करते वक्त अपनी जान कुर्बान करने से दरेक नहीं करते मेरे सोच किसी चर्च के स्टोर रूम में एक बच्चा गया और उसने खुदाउ यसु मसीह का एक ऐसा मुजस्मा देखा जिसके हाथ टूटे हुए थे बच्चे ने आकर काहिन को बताया कि यीशु के तो हाथ ही टूटे हुए हैं और काहिन ने कहा मेरे बच्चे अब तुमने यीशु मसीह के हाथ बनना है हाँ मेरे अजीजों बपतिश्मी का साक्रमेंट कहानत का साक्रमेंट भी है जिसके वसीले हम काहिन का इख्तियार पूरे तौर पर तो हासिल नहीं करते पर कुछ इख्तियार ज़रूर हासिल करते हैं काहिन इंसान और ख़ुदा के दरमियान सालसी है काहिन हमारी दुआएं मुनाजातें और कुर्बानियां ख़ुदा के हजूर पेश करता है दिन रात हमारे लिए दुआ करता है याद रखें कि काहिन भी एक इंसान है वो भी कमज़ोर है वो भी हर रोज़ गिरता और हर रोज़ उठता है हती कि मुसीबत हो बीमारी हो गर्मी हो सर्दी हो या हालात की तंगी हर हाल में हमारी खातर खुदा के हजूर हाजिर होता है इसलिए मेरे जिजो अपने काहिनों की इज्जत करें अपने काहिनों से मोहब्बत करें अपने काहिनों के लिए बिला नागा दुआ करें जॉन मेरी व्यानि हर काहिन के लिए एक आला नमूना है खुदा हम सबको बरकत दे। आमीन